ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, ଏକ ତରଫ ସି ବି ଆଇ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ହୋ ରହା ହେ, ଏକ ତରଫ ଏନ୍ ସି ପି କା ବି ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ହୋ ରହା ହେ, ଫିର୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପେ ଆପ୍ କ୍ୟୁଁ ଉତରେ ହେଁ? देखिए सर, सी बी आई की इंक्वायरी हो रही है, वो अपनी जगह अपना काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालना पड़ेगा कि टाइम पे, कहते हैं जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, देरी होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सबूत मिटा दिए गए हैं पहले ही। अगर इतनी ही काबिल होती मुंबई पुलिस तो एफ आई आर हो जाती। 60 डेज तक एफ आई आर नहीं हुई, उसके बाद में अब सी बी आई के हाथ में आया तो केस चलता चला जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा डिले हो रहा है, बट हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर कई लोग बोल रहे हैं कि एनसीबी को लोग मुद्दा फटका रहे हैं, एनसीबी को बीच में ले आए हैं, अब एक बात बताइए, अगर खून हुआ है और उससे जुड़े हुए ड्रग्स पेडलिंग के केसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो छोड़ दिया जाए? आपने खून, हम सिर्फ खून पे ही कार्रवाई करेंगे? ऐसा नहीं होता है। एनसीबी को भी करना पड़ेगा, ईडी को भी करना पड़ेगा, सीबीआई भी करेगी, और वेरी सून देखिएगा इसका कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। हमें देश पे, मतलब हमारे, हमें गवर्नमेंट पे विश्वास है। सुबह आए थे आप, इतना लोग नहीं थे, धीरे धीरे हम देख रहे हैं लोगों का संख्या भी बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव। ये मुंबई नहीं है, हम दिल्ली में राजधानी में खड़े हैं, कैपिटल है, यहाँ किसी की बाप की पपोती नहीं चलती है, कोई मठाधीश नहीं है यहाँ पर। हर इंडिविजुअल को राइट है, जब हम केजरीवाल को सीएम बना सकते हैं तो नीचे और लोगों को भी गिरा सकते हैं। तो यहाँ किसी का वो नहीं चलता है कि यहाँ बैठे हैं कि हम शिवसेना के अध्यक्ष हैं तो हम ये कुछ भी नॉटी बोल देंगे किसी औरत को। यहाँ ईच एंड इंडिविजुअल, एक बच्चे से लेकर बड़े तक को बोलने का हक है। तो इसलिए दिल्ली में आप प्रोटेस्ट करो, अगर तो मुंबई में होते तो उठा लिए जाते अभी तक। तो बच्चे क्या, बड़े क्या, वहाँ यही हो रहा है। उन लोगों की अपनी दादागिरी चल रही है, वो कोई सुन के राजी नहीं है। तो इसलिए अपने आप आए हैं या आपको कोई बुलाया? नहीं, हम अपने आप आए हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं, हम उसके बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा कि सब जस्टिस के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो हम लोग अपने घर से आए हैं यहाँ पे स्पेशली ताकि हम इस प्रोटेस्ट में जुड़ सकें, इस मुहिम में जुड़ सकें। सर, आप क्या चाहते हैं? 3-4 महीना हो चुका है ऑलरेडी, अभी तक कोई एक भी ऐसे पॉजिटिव नहीं आया है कि हमको लगे कि सुशांत के केस पे एंड तक जा सके, तो इस मुद्दे पर स्ट्राइक पे आने से ही कुछ आपको लग रहा है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा गवर्नमेंट? देखिए, एक तो सीबीआई ऐसा नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है, वो आपस में सारी कड़ियों को जोड़ रही है और उनको थोड़ा समय लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन पब्लिक का प्रेशर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हम प्रेशर बना के रखेंगे तो वो एक सर्टेन टाइमलाइन में इसके रिजल्ट को निकाल के बाहर लाएंगे। तो ये सारी जितनी भी, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, ये सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं आपस में। हो सकता है ड्रग्स का मामला हो जो कि इससे निकल के आए, शायद ड्रगिस्ट लोग इसमें शामिल हों, शायद उनकी कोई दुर्भावना हो इसके पीछे। तो ये सारी कड़ियाँ आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और इसके साथ साथ पब्लिक, हम लोग जो सुशांत के फैन हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि सरकार पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सीबीआई उनके अंदर आती, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना के रखें। हम इस मुद्दे को भटकने नहीं देंगे, चाहे जब तक जस्टिस नहीं आएगा हम लगे रहेंगे और जस्टिस पाकर ही दम लेंगे। जिया खान को लेकर मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस भी सीबीआई केस सीबीआई के हाथ पहले भी जा चुका है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। 7 साल, 8 साल, 10 साल तक भी इंक्वायरी होता रहता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ऐसे होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, 1-2 महीने में लोग भूल जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह एक ऐसी घटना है, 3-4 महीने के बाद भी आज लोग देख रहे हैं, लोग कहीं आप स्ट्राइक पे उतरे थे, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, जिया खान के केस में जो हुआ उस पर तो अभी टिप्पणी करना बहुत ही गलत रहेगा। उस वक्त मास का इतना सपोर्ट नहीं था। सुशांत सिंह की थ्योरी में एकदम साफ बोल दिया गया डिप्रेशन। शायद जिया खान के केस में अगर उसकी फोटोग्राफ्स वायरल हुई होती है तो हर कोई उस पर बैठ करके उसके पोस्टमार्टम को एनालिसिस कर रहा होता, बट सुशांत सिंह के केस में उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई। ये साथ में पता लग रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उस पर टाइम नहीं डाला हुआ है, गले पे मार्क्स हैं। तो लोगों को, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद उसको सुसाइड की थ्योरी दे देते हैं। घर में कौन आया उस रात को, कौन गया, उसका डाटा रिमूव हुआ, कुछ नहीं पता लग रहा। ये सारा पब्लिक डोमेन में है, हम कोई अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। तो अगर जिया खान के केस में भी इसी तरीके से हुआ होता, उसकी फोटो वायरल हुई होती, तो शायद इसी इससे ज्यादा भीड़ होती। आपको इंक्वायरी ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रेशर बनाना चाहिए? प्रेशर बिल्कुल बनाना चाहिए, और बिना प्रेशर बनाया तो कोई काम नहीं करेगा। कहते हैं ना, बेटी बेटी आप दोनों क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग सुशांत सर के लिए जस्टिस मांगने आए हैं।
किसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं? हम लोग सुशांत और रिशा के लिए जस्टिस मांगने आए हैं, क्योंकि उन लोगों को बोला गया कि सुसाइड थ्योरी बना दी गई है। आप उनका फिल्म देखते थे? जी हाँ, बिल्कुल देखते थे। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଧା ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାହୋଲ ବଢ଼ି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯିଏ ଦୋସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜନେତା ରହିଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରଖିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଅନଶନ ରହିଛି, ଏ 3 ଦିନ ଅନଶନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।